केजरीवाल सरकार के तथाकथित स्वास्थ्य मॉडल की हकीकत। एक तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल दावा करते हैं कि वे दिल्ली की जनता को सबसे अच्छा स्वास्थ्य उपचार दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार अपनी उसी स्वास्थ्य व्यवस्था से मासूमों की जान ले रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में खांसी की गलत दवा देने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन से हुई पॉइजनिंग के 16 मामले सामने आए, जिनमें से 3 बच्चों की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इन बच्चों को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक द्वारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दवा निर्धारित की गई थी और इस दवा को बच्चों को नहीं दिया जाता है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते, लेकिन इस घटना ने दिल्ली सरकार के सभी दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली समेत बाकी राज्यों में भी आप सरकार इसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कर रही है? दिल्ली में 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है, दर्जनों भर्ती हैं, लेकिन केजरीवाल फिलहाल चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं।